अरे जबरू, तू क्यों परेशान कर रहा है? आप बोलो तो रुक जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुकना नहीं। चांद पे तो जमाना पहुंच गया है, लेकिन सूरज पे कोई नहीं जा सकता। लाख कोशिश कर लो, लेकिन जबरू किसी के हाथ नहीं आ सकता। हमारा चक्कर जैसे मैच के लास्ट बॉल पे पड़ा हो सिक्सर ठोकुताली। भतीजे चोरी होगी इसे, और चोर मेरा मुंह काला करके भाग गया। ओहो बंदूक जी, ठीक से बताइए कहाँ हुई चोरी? क्या आपने चोर को देखा? हाँ मैंने देखा, बिल्कुल नजदीक से देखा। ओ गुरु, इसने तो बंदूक जी को ही टोपी पहना दी। छा गए गुरु, छा गए। टोपी पहना रहे उसे। अरे मैडम जी, आप उसे क्यों पकड़ रही हैं? सारा खेल चौपड़ हो जाएगा। अरे 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 रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। अरे बच गए। हट जाओ, बच्चे नहीं लुट गए, यो चोर से मेरी आंखों के सामने चोरी करके भाग रहा है यो। अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पिछले 3 घंटों से लगातार साइकिल चला रहा है, वो भी हम सबके सामने। बंदूकनी जी, भल्ला अंकल सही कह रहे हैं। ओ जी, आपको कुछ गलत फहमी होगी है जी। मैंने कोई गलत फहमी ना हुई है, यो वही चोर से। बंदूकनी जी, मेरे पास इतने सारे सबूत है, सारी जनता ने देखा है इसे यहाँ साइकिल चलाते। क्यों भाइयों, जबरू यहाँ से गायब हुआ था क्या? नहीं, 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 नहीं। तो ताली बजाओ जबरू के लिए। बंदूकनी जी, पब्लिक के सामने पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आपके पास क्या सबूत है? हमने तो चोर की पीठ देखी थी मैडम जी। काश मेरी आंखों ने खींची हुई तस्वीर तुम लोगों ने दिखा सकती, पर मन ने भी कच्ची गोलियां ना खेली से। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। कोई बात नहीं, अब देख इन सबको कैसे मजा चखाता हूँ। ओए बलवंत, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ओए पल्ला जी, मैंने क्या किया? ओए बाहर निकल, निकल बाहर। ओए बाहर निकल, ओए बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर। लगता है अंदर कोई नहीं है। पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ये हैट तो मेरे सर पे चिपक ही गई, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ओए वाह भतीजे, वो तेरी मेटल हेड तो हमेशा कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट।
बंदूकनी जी, पकड़े गए दोनों चोर, डंका और ढोलकी। रख कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। मेरी लात से रहा नहीं जा रहा। बस थोड़ी देर और बंदूकनी जी। है? क्या हुआ, ये फटा क्यों नहीं? जरा देखना जाके। ये तो चाचा और भतीजा है, हमें समझ जाना चाहिए था कि हम पर अगर कोई भारी पड़ सकता है तो वो है ये दोनों। चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं। ओए ओए, ये दोनों भाग रहे हैं, ओए पकड़ो इन्हें। हेलो बंदूकनी जी, डंका और ढोलकी भाग रहे हैं, जल्दी आइए। लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ओए वाह भतीजे, तेरी मेटल हेड तो हमेशा कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हेड। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ। इस एटीएम मशीन ने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी और इस पर तो एक खरोच भी नहीं आई। इससे तो अच्छा हम बैंक ही लूट लेते। अब मैं जिंदगी में किसी एटीएम मशीन की शक्ल नहीं देखना चाहता। जेल में तन्ने एटीएम मशीन की शक्ल दिखेगी बिना। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। जी नहीं है। ये हमें पता है पर ड्राइवर को नहीं। रुके रुके, एक मिनट भल्ला जी, हमें आपकी गाड़ी को भी स्कैन करना है। अरे जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो, मुझे टिम्बक्तू पहुंचना है। इससे पहले कि हीरा इनके हाथ लग जाए यहाँ से भागना ही होगा। और मेरा शक सही था, यही है चोर और उस सूटकेस में हीरा है, पकड़ो उसे। चल भतीजे। ये क्या हो रहा है, वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? ओ जी, कोई टिम्बकटू के फ्री टिकट नहीं है, इस चोर ने आपको बेवकूफ बनाया ताकि हीरा फंटूश नगर के बाहर ले जा सके। क्या, मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। चल पम्मी। ओए बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, कहाँ घुसे जा रहे हो? Oh!
गाली मार हीरे ने तो मुझे मार ही खिलाया है। वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, तने तो जेल में मैं टिम्बकटू दिखाती हूँ। चल इस हीरे की चमक का कोई नहीं छुपा सकता, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।